हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर रहेगी। आधी बातें हमने कल देखी थी, जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने कल देखा था हैलोजनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। आज हम लोग आगे कुछ नेमिंग रिएक्शन की ओर देखेंगे और साथ ही साथ आज ये जो हमारा टॉपिक होगा वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद सिर्फ एक और टॉपिक बचता है जो कि बहुत ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्ट बताने लायक नहीं है, सिर्फ उसमें उसके यूजेस हैं वही आते हैं। पॉली हेलोजन कंपाउंड्स हैं, उनके सिर्फ यूजेस पूछे जाते हैं जो कि बुक में आप अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हो। जो नहीं समझ में आएगा अगर आप कहोगे तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी जाएगी, लेकिन पूरा देखा जाए ओवरऑल तो कॉन्सेप्चुअली तौर पर आज ये चैप्टर का एंड होने वाला है। आज ये चैप्टर की आखिरी वीडियो होने वाली है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर रहने वाली है, ठीक ना? तो हम लोग आज ये स्टार्ट करते हैं अपनी आज की टॉपिक को। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो आज की बात होने वाली है वो हम लोग करेंगे सबसे पहले फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन पर। किस पर करेंगे? फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन पर। तो फ्रिडल क्राफ्ट में सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देखेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देखेंगे। कहने का मतलब क्या, कहीं पर भी हम लोग एल्काइल ग्रुप को यहां पर ऐड करेंगे। देखिए कैसे क्या होता है, समझिएगा। हम लोग लेंगे एक क्लोरोबेंजीन या हेलो एरीन, ये हमारी हेलो एरीन है, ठीक ना? अब हमें क्या लेना है, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया में एल्काइलेशन करा रहे हैं तो हमें एक एल्काइल ग्रुप लेना है यानी CH3Cl। हम हेलो एरीन की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? CH3Cl के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3। ये हमारा क्या है बच्चों? लुईस एसिड है। हम लोग पढ़ के आए थे, कल भी पढ़े थे इसके बारे में। अब देखिए यहां पे क्या होता है बच्चों, ये CH3Cl जो है ये, अब यहां पर जो आपको CH3 दिख रहा है यानी कि ये जो आपको एल्काइल ग्रुप दिख रहा है और ये क्लोरीन है, यहां पर बच्चों हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होगा। हाइड्रोलिटिक क्लीवेज मैंने बताया था कि यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकलेगी, साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के चली जाएगी और यहाँ पे बच्चों एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा यानी CH3 पॉजिटिव आ जाएगा और ये Cl नेगेटिव हो जाएगी। यही Cl नेगेटिव बच्चों AlCl3 के साथ कंबाइन हो जाती है और एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर AlCl4- बनाती है। ये कल हम लोग पढ़े थे इतना। तो बच्चों यहां पे भी यही होता है। अब हमने देखिए खोज लिया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, CH3 पॉजिटिव हमारा क्या इलेक्ट्रोफाइल है। अब उसको एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ेंगे और एक बार पैरा पोजीशन पर जोड़ेंगे और अभिक्रिया हो जाएगी हमारी समाप्त। देखिए एक बार हमने क्या जोड़ा ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार हमने क्या जोड़ा पैरा पोजीशन पर और ये हमारा मेजर कंपाउंड होगा। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हो यहाँ पे क्राउडनेस बहुत दूर दूर है, क्राउडनेस है नहीं ड्यू टू लेस क्राउडनेस। यहाँ पर क्राउडनेस क्या है, लेस, और एक दूसरे की सिमेट्री भी है और ये माइनर बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्राउडनेस क्या है, ज़्यादा है और क्राउडनेस की वजह से रिपल्शन होगा, ठीक था? तो मेजर हो गया कंपाउंड और माइनर कंपाउंड हमारे सामने हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका IUPAC नाम लिखने चाहेंगे तो क्या होगा, 1-chloro-2-methylbenzene। देखिए 1-chloro-2-methylbenzene, इसी तरह 1-chloro-4-methylbenzene इसका नेम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जहां पे हमने एक एल्काइल ग्रुप को हेलोएरीन के साथ रिएक्ट कराया, ठीक ना, इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। देख लीजिए फिर हम लोग अगला करते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। चलिए देख लिया होगा आपने, तो अब हम लोग अगला करेंगे वो है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहां पे हम एक एसाइल ग्रुप लगाएंगे, देख रहे हैं आप, देख लीजिए, तब तक हम मिटा देते हैं। फ्रिडल क्राफ्ट
एसाइलेशन। अब देखिए यहां पे एक एसाइल ग्रुप लगाएंगे। एसाइल ग्रुप क्या होता है देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां पे एक हेलोएरीन, जैसा कि हम लोग ले रहे हैं हेलोएरीन लेंगे, क्लोरोबेंजीन ली मैंने। अब यहां पे हम लोग लगाएंगे क्या, हमारा एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप कैसे होता है बच्चों, देखिए यहां पर आप सी डबल बॉन्ड ओ अगर कोई क्लोरीन या कोई हेलोजन के साथ जुड़ा होता है तो ये हमारा एसाइल ग्रुप होता है। इतना बात आप लोग याद रखेंगे। इसकी भी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 लुईस एसिड के प्रेजेंट में कराएंगे। तो यहाँ पे भी वही होगा, हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होगा और क्लोरीन अलग होगी, ठीक ना। देखिए कैसे यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे देखिए CH3 सी डबल बॉन्ड हो CL, यहाँ पे होगा हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज। हमारे पास ये हमारा क्या बना, एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया, क्लोरीन अलग हो गई, फिर क्लोरीन कंबाइन हो जाएगी हमारे AlCl3 के साथ और बनाएगी AlCl4 टाइप का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक ना। अब देखिए हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल हमारे सामने है, एक बार इसको हमको जोड़ना है कहाँ पे, एक बार हमको इसको जोड़ना है किस पे, कौन सी पोजीशन पर जोड़ेंगे, पैरा पोजीशन पर जोड़ेंगे, और एक बार कौन सी पोजीशन पर जोड़ेंगे, ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये हमारा डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ के तरफ से ही इसको कंबाइन करेंगे, यानी उधर कार्बन से ही जोड़ेंगे और ये CH3 हो जाएगा हमारा, प्लस ये CL, और यहाँ पे हम लोग एक बार जोड़ेंगे सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ये हमारा मेजर कंपाउंड होगा मेजर, और ये हमारा क्या होगा माइनर कंपाउंड। क्लियर है बच्चों, मेजर और माइनर। अगर इसके नाम की बात करें बच्चों तो यहां पे आप देख रहे हो इस पूरे ग्रुप को बच्चों बोलते हैं एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन बोलते हैं। बेंजीन के साथ अगर सी डबल बॉन्ड ओ CH3 जुड़ा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एसिटोफिनोन बोलते हैं। अब यहां पे ये ऑर्थो पे लगा है इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं, इसका कॉमन नेम जो होगा बच्चों होगा ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन। आखिरी में ओन लगा क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ है, तो ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, और इसका क्या होगा पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। ये आपकी थी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बच्चों। फ्रिडल क्राफ्ट में आप लोग फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देखा और एसाइलेशन देखा, दो बातें, ठीक ना। अब हम इसको रब करते हैं और आगे अपनी रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत ईजी है बच्चों ये पूरी रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ईजी है। आपको बस इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है और उसको एक बार पैरा और एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ देना है, बहुत इजी है, ये सब हम लोग कल देख चुके थे। चलिए आज अगली जो है वो है वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, हिंदी बच्चों यही नाम होगा, वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या करते हैं, देखिए वुड्स अभिक्रिया हम लोग पढ़ के आए हैं, वहां पे बच्चों हम लोग क्या करते थे, एक RX ग्रुप लेते थे और उसकी अभिक्रिया हम लोग सोडियम के साथ करा देते थे। तो यहाँ पे बच्चों RX ग्रुप के साथ, यानी हम लोग को RX का मतलब क्या हुआ, एल्काइल हैलाइड, RX यानी एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी अभिक्रिया साथ में हेलोएरीन के साथ भी ले ले तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, देखिए हमने लिया CH3Cl, ठीक ना, CH3Cl लिया। अब वहां पे क्या हो रहा था, हम लोग इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दे रहे थे, दो मोल ऑफ सोडियम के साथ करा दे रहे थे। बस यहां पे क्या करना है, सीधा फिटिग मतलब वुड्स रिएक्शन ये हुआ, फिटिग में आपको क्या लाना है, बस एक हेलोएरीन भी ला करके इसमें जोड़ देना है। यहां पे ये मैंने क्लोरोबेंजीन ऐड कर दिया, बस यही क्या हो गई, वुड्स फिटिग रिएक्शन हो गई। अब देखिए यहां पर क्या बनेगा बच्चों, देख रहे दो मोल ऑफ सोडियम है, तो ये एक सोडियम यहां से लेके निकलेगा, एक सोडियम यहां से लेके निकलेगा, यानी क्या निकलेगा, 2NaCl हमारा निकल जाएगा, क्या निकलेगा, 2NaCl हमारा निकल जाएगा। देखिए
टू एन ए सी एल निकल जाएगी हमारी बच्चों, देखिए एक यहां से सीएल एक यहां से सीएल निकल लेके निकल जाएगा, हमारे पास बचेगा सी एच थ्री, तो सी एच थ्री को हम बस इस बेंजीन रिंग में जाकर के ऐड कर दे तो हमारा क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा, ये देखिए ये हमारी बेंजीन रिंग हुई, बस कहीं पर भी सी एच थ्री जोड़ दीजिए, ये सी एच थ्री जोड़ दिया हमने, यहाँ से क्लोरीन निकली थी और यहाँ से क्लोरीन निकली थी, ये खाली हो चुका था, ये बेंजीन रिंग बची थी, सी एच थ्री जोड़ दिया, हमारा क्या बना टॉलुइन बन गया हमारा, सिंपल सी रिएक्शन थी, वुड्स फिटिंग रिएक्शन बहुत सिंपल थी, क्या लिया हमने एक आर एक्स ग्रुप लिया, सोडियम के साथ उसकी अभिक्रिया करा दी, इन द प्रेजेंस ऑफ हमें एक रिएक्शन एक रिएक्टेंट और लेना रहेगा, वो क्या होगा हेलो एरीन, ठीक ना, वुड्स फिटिंग हेलो एरीन के साथ, बस क्लियर है बच्चों, ठीक। अब हम लोग आखिरी रिएक्शन देखेंगे जो कि है फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन देख करके हमारा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो जाएगी और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। फिटिंग रिएक्शन में क्या करना है बच्चों, हमें दो मोल ऑफ हेलोएरीन लेने हैं, देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, इसको मैंने दो दो का मल्टीप्लाई कर दिया यानी दो क्वांटिटी में ले लिया, दो मोल है इसके, ठीक ना। अब यहां पर क्या करना है, इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ करा दीजिए, NaX यानी सोडियम हैलाइड के साथ करा दीजिए। अब सोडियम हैलाइड के साथ जैसे ही हमने कराया यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब सॉरी सोडियम के साथ करिए, हैलाइड नहीं, सोडियम के साथ करा दीजिए। अब देखिए क्या होगा, ये सोडियम इन दो क्लोरीन को लेके निकल जाएंगे, बचेगा क्या 2NaCl, 2NaCl निकल गया। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये दो मोल था यानी एक और था, ये इसी तरीके से हेलोएरीन एक और थी इस तरीके से। अब देखिए क्या हुआ कि ये दो सोडियम इन दो क्लोरीन को लेकर के निकल गई, बचा क्या, ये दो हमारे पास बेंजीन रिंग बची, ये दो बेंजीन रिंग आपस में क्या हो जाएगी कंबाइन हो जाएगी और हमारा डाई फिनाइल बनाएगी इस तरीके से। अगर हम इसको बनाना चाहें, देखिए थोड़ा सा इसको हम इसका लिटा करके थोड़ा सा हमने बनाया है, देखिए ये हमारी, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डाई फिनाइल, क्या बोलते हैं डाई फिनाइल, ये हमारा फिटिंग रिएक्शन हो गया, क्या जहां पे हमने दो मोल ऑफ हेलोएरीन लिया उसकी अभिक्रिया दो मोल ऑफ सोडियम से करा दी, जहां पर दो NaCl निकल गई, ये बेंजीन रिंग बनी और आपस में कंबाइन हो गई बेंजीन रिंग, ठीक। सिंपल सी बात थी बच्चों, इतना सा बात, ये यहीं पर हम लोग की जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म होती है, ये चैप्टर भी खत्म होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल पर। बस एक बात इस चैप्टर में बची है, वो है क्या, वो हमारे पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स बचे हैं, पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स के वो भी यूजेस आते हैं, ठीक ना, और बाकी कॉन्सेप्चुअल लेवल पर ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो उसकी भी वीडियो बना दी जाएगी। इतना आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे और वहाँ पर हम लोग अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।